वेलकम बैक अगेन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, नीट 2023 एग्जाम में अभी एक वीक से भी कम बच गया है, तो कुछ बातें हैं जिस पे डिस्कस कर लेना बहुत ही जरूरी है। अभी के टाइम में आपका रिवीजन तो चलते रहेगा, नो डाउट, अभी आप रिवीजन करते रहिए, लेकिन साथ साथ में आपको कुछ बातें का ध्यान रखना है। अगर आप लोग अभी तक OMR सीट पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अभी से आप OMR सीट पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जो लोग OMR सीट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अभी से शुरू कर दीजिएगा, ताकि आपको OMR पे प्रैक्टिस करना में है, मतलब कि एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। दूसरा बात यह है कि जैसे कि आपका एग्जाम होने वाला है 2 to 5 होगा, ठीक है, दोपहर का 2 से 5 के में, तो आप जो है टाइमर स्टॉपवॉच लगा के 2 से 5 के टाइम में ही अपना एग्जाम दीजिए, ठीक है। उसी टाइम में आप जो है मॉक टेस्ट अप्लाई की मतलब कि अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपको उस टाइम में जो है ना आपका माइंड एक्टिव रहे और उस टाइम में आपको नींद ना आए, ठीक है। और दो बात इंपॉर्टेंट जो है, अगर आप रात को, इससे पहले आपका हैबिट है कि आप रात को 2 या 3 बजे सो रहे हैं, तो इसको बदलिए, रात को जल्दी सो जाइएगा। 11 से 12 कोशिश कीजिए 11 से 12 बजे तक आप सो जाए, ताकि आपको दिन में नींद ना आए। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि उनको पता चलता है एग्जाम, सोचते हैं कि एग्जाम के एक रात पहले हम 11 12 बजे सो जाएंगे और उनको नींद ही नहीं आता है, ठीक है, रात को, और जस्ट एग्जाम के दिन, एग्जाम के टाइम उनको नींद आने लगता है। तो इस बात पे ध्यान दीजिए, हो सके तो अभी 11 से 12 बजे रात को ही सो जाइएगा। भले सुबह आप जल्दी उठना चाहते तो उठ सकते हैं, और एग्जाम मतलब कि आप जो मॉक टेस्ट है 2 से 5 के टाइमिंग पे लगाइए। और एक बात, ये सब पे लागू नहीं होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट बोलता है कि अगर आप मतलब कि अभी गर्मी का टाइम है, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट एसी रूम में रहते होंगे और एसी में ही पढ़ते होंगे, ठीक है, तो एग्जाम हॉल में तो एसी होगा नहीं, तो आपको क्या करना है, अभी कुछ दिन के लिए मतलब 3 4 5 दिन जो भी बचा हुआ है, तो इसमें आपको मतलब कि पंखे के नीचे अगर आप है तो फैन में पढ़िए, एसी रूम में पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में फिर से बता दे रहे हैं आपको, अभी OMR सीट प्रैक्टिस करना है, साथ OMR सीट में मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। बिना OMR का मतलब कि आपको एग्जाम अटेंड करके कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा जो है आपको स्टॉप वॉच टाइमर के साथ एग्जाम दीजिएगा, और तीसरा टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इसके बाद जो एग्जाम के बाद जितना भी काउंसलिंग रिलेटेड जो भी अपडेट या नोटिसेज आएंगे उसको आपको सारा चैनल पे मिल जाएगा, और साथ में आपको काउंसलिंग का जितना भी कट ऑफ और वो भी जितना रिलेटेड वीडियोज है सब चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।